तो दोस्तों चेन्नई सुपर किंग में कई बड़े खिलाड़ी बाहर होने वाले हैं। इनमें से जो सबसे बड़ा नाम है दीपक चाहर का है। जी हाँ दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग का एक वक्त अभिन्न हिस्सा रहे दीपक चाहर शायद सीएसके उन्हें रिलीज कर दे। ऐसे में कौन से बेहतर रिप्लेसमेंट हो सकते हैं दीपक चाहर के चेन्नई सुपर किंग में, इसी के बारे में पूरे डिटेल्स में बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो बता दें कि हम चेन्नई सुपर किंग का है सुपर वाला फैन। अगर आप भी चेन्नई सुपर किंग को सपोर्ट करते हैं तो हमारा चैनल जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम चेन्नई सुपर किंग से हर एक छोटी बड़ी अपडेट लाते रहते हैं। तो दोस्तों बात करें दीपक चाहर का, तो दोस्तों दीपक चाहर जो कि चेन्नई सुपर किंग के लिए सबसे बेहतरीन गेंदबाजों में से एक रहे हैं, लेकिन 2-3 वर्षों में हमने देखा है कि वह ज़्यादातर इंजरी से ही परेशान रहे हैं और ज़्यादा मुकाबला भी नहीं खेल पाते हैं दीपक चाहर चेन्नई सुपर किंग के लिए। ऐसे में चेन्नई सुपर किंग बड़ा फैसला कर लिया है कि वह दीपक चाहर को रिलीज कर देगी IPL 2025 से पहले। तो ऐसे में बता दें कि दीपक चाहर ऑक्शन में जाएंगे तो इनके पीछे कई टीमें भी जाने वाली है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि दीपक चाहर अगर रिलीज होते हैं तो फिर चेन्नई सुपर किंग के जगह पर कौन खिलाड़ी शामिल हो सकता है। तो दोस्तों एक और इंडियन बेहतरीन तेज गेंदबाज का नाम सामने निकल के आ रहा है, हर्षित राणा। यह दोस्तों KKR से खेलने वाले हर्षित राणा जो कि यंग है और कमाल के गेंदबाज है, और बता दीजिए अपने परफॉर्मेंस से सभी को प्रभावित किया है। इनका स्लोअर बेहद ही खतरनाक है, इसके अलावा भी इनके पास कई बेहतरीन गेंदबाजी है जो कि सामने वाले बल्लेबाज को चौंका देते हैं। ऐसे में हर्षित राणा को टारगेट कर सकती है चेन्नई सुपर किंग, मेगा ऑक्शन में अपनी टीम में शामिल कर सकती है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हर्षित राणा इतना इंजर्ड नहीं रहते हैं, यानी कि वो रहते हैं, ज्यादातर मुकाबला खेलते हैं, तो ऐसे में चेन्नई सुपर किंग के लिए फायदा होगा। हमने देखा है कि चेन्नई सुपर किंग कितना स्ट्रगल की है इंडियन तेज गेंदबाजों को लेकर। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि हर्षित राणा शामिल हो जाए चेन्नई सुपर किंग में IPL 2025 में। आपका क्या राय है, क्या दीपक चाहर का एक बेहतरीन रिप्लेसमेंट है हर्षित राणा या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक ले मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।